हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, डेटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट फोर में हम देखेंगे एक टेबल डीआई जो कि एबीपीएस पीओ में पूछा गया था। ये एक लेंदी टेबल डीआई है। अगर आप इसे करने का स्मार्ट तरीका नहीं जानते हैं, तो अगर आप जानते हैं इसको करने का स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है, तो ये टेबल डीआई आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो दोनों ही तरीकों को हम यहाँ पे देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और इसके पहले के वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं, जो ये नई सीरीज है, तो यहाँ कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ उस प्लेलिस्ट का। उस पर जाकर के आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की टेबल डीआई में क्या टेबल है, और ये जो टेबल है ये परसेंट के ऊपर है। जैसे अभी तक हम देख रहे थे नॉर्मल डेटा दिया रहता था। मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि अब हम धीरे धीरे लेवल्स को बढ़ाएंगे, तो ये अब हम दूसरे लेवल पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर हम परसेंट को इंट्रोड्यूस किए हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें परसेंट के साथ रेशियो भी इंट्रोड्यूस होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, टेबल क्या शो कर रही है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ एमबीए, कि एमबीए के डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उसका परसेंटेज दिया गया है। ध्यान रखिए क्या दिया गया है, परसेंटेज। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें, ये एक स्टूडेंट है अनुष्का, ये यहाँ पे छह सब्जेक्ट आपके सामने लिखे हुए हैं एमबीए के। तो ये सब्जेक्ट है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, और यहाँ पे लिखा गया सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क, मतलब वो जो सब्जेक्ट है उसका उसके लिए कितने मैक्सिमम मार्क हैं, या फिर कह सकते हैं उसका पूर्णांक कितना है। तो यहाँ पे लिखा है 150, उसमें से अनुष्का को कितने मिले, 66 नंबर, नहीं 66% है ये। ध्यान रखिएगा यहाँ टेबल में भी परसेंट नहीं शो किया गया है, जिससे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी हो सकते हैं, सोचेंगे 66 नंबर है और फिर गलती होने की संभावना बढ़ती है। तो यहाँ पे ये क्या है, 66% है, 150 का 66% अनुष्का को मिले हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में। इसी तरह के ये सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, और ये कुछ आपके सामने छः स्टूडेंट्स हैं जिनका यहाँ पर डेटा दिया गया है। इसी सब के ऊपर अब क्वेश्चन बनेगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा गया है हाउ मैनी मार्क्स डिड अनुष्का गेट इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर। मतलब आपको बताना है अनुष्का ने टोटल उसको कितने मार्क्स मिले हैं ऑल ओवर द सब्जेक्ट जितने में हैं सबको ऐड करके। तो अब इसके लिए क्या करें, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती है कि आप ये जो परसेंटेज हैं उनको ऐड करिए और यहाँ पे जो नंबर से ऐड करिए और डायरेक्ट निकालिए, नहीं। अब आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा डेटा। अगर जैसे मैं बात करूँ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की, ओके, ये एक सब्जेक्ट है, इसके टोटल मार्क्स कितने हैं, 150, और 150 का आपको निकालना पड़ेगा क्या, 66%, ये वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो निकाल लेते हैं, 15 × 90 हो जाएगा, 15 × 90 और 99 हो जाएगा, ये 99 हो गया और ये पॉइंट यहाँ पे लगेगा, तो ये 99 नंबर हो गए। किसमें, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में। अगला कौन सा है, ब्रांड मैनेजमेंट। तो इसमें देखिए 100 नंबर का है, इसमें 75% मार्क्स मिले हैं, तो ये अब आसान हो जाएगा। 100 का 75% कितना होगा, 75 ही होगा। तो ब्रांड मैनेजमेंट में अनुष्का को कितने नंबर मिले हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसी के ठीक नीचे लिखते हैं ताकि ऐड करने में आसानी हो, 75। फिर है क्या, कंपनसेशन मैनेजमेंट। तो कंपनसेशन मैनेजमेंट में अनुष्का को कितने मिले हैं, 150 में से 88%। तो 150 में से 88% वैल्यू हमको निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, 15 × 120 हो जाएगा, 0 होगा, 15 × 120 और 12 × 132 हो जाएगा। तो ये आ गया 132, पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, ये 132 आ गया। फिर नेक्स्ट कौन सा है, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में कितने मार्क्स मिले हैं, 125 में से 56%। तो 125 हमने यहाँ पे लिखा और इसका 56%, तो ये हम ऐसे निकाल सकते हैं, 56% निकालने में काफ़ी आसान है। 125 है, हम 8 से डिवाइड कर दें, 8 × 56 हो जाएगा, तो ये आ गया 70 नंबर। ओके, ये सब कैसे करना है, सब स्पीड मैथ में मैंने बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है स्पीड मैथ की वीडियोस, तो आपको यहाँ कॉर्नर में मैं लिंक दूंगा स्पीड मैथ की प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जा करके आप वो सारे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। अगला यहाँ पर सवाल है, मतलब अगला यहाँ पर जो निकालना है सब्जेक्ट, वो है सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग में कितना है, 75 नंबर का पेपर है जिसमें 56% उसको प्राप्त हुए हैं, तो 75 का 56% आपको निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, बड़ा ही आसान है। क्या करना है, आपको 3/4 कर लेना है 75 को, और आसानी से आपको पता चल जाएगा कितनी बार जाएगा, 4 × 4, 4 × 16, 14 × 3 = 42, कितना आ जाएगा, 42 नंबर आ जाएगा। और आखिरी क्या बचा हुआ है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कितना है, तो ये देखिए आपको देखने को मिलता है 50 नंबर का ये पेपर है जिसमें 90% अंक उसको हासिल हुए, तो 9 × 5 = 45, कितना हो जाएगा, 45।
ओके अब आपको एडिशन ही करना है तो आप ऐड कर लीजिए 9 5 14 14 2 16 16 2 18 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, तो आ गया 3, 2 बचेगा 9 2 11 7 18 18 और 3 21 21 और 7 28 4 32 4 36 ये आ गया 6। और फिर यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, अगर ऑप्शंस को देखिए तो 6 3 6 3 यहाँ दो ऑप्शंस मिले, लेकिन जब नन ऑफ दीज रहता है तो आप केवल एक डिजिट को लेकर के आप कंफर्म नहीं कर सकते हाँ वही सही आंसर होगा, आपको पूरा निकालना पड़ेगा। हो सकता है ये 363 463 की बजाय आंसर निकला है 563, तो आप क्या करेंगे। ओके तो यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, और यहाँ पे 100 वाले स्पेस पे केवल एक ही है, यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा, कितना जाएगा 463। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब ये है तो कहने को लेंदी सवाल है, करना आसान है, लेंदी का मतलब टफ नहीं होता है, टफ का मतलब जो दिखने में आपको छोटा सा लगे लेकिन उसको निकालने में आपकी माथापच्ची बहुत ज़्यादा हो और आपको समझना है वो कैसे करना है, वो होता है टफ। लेंदी का मतलब जिसका प्रोसीजर आपको पता है कैसे करना है लेकिन उस प्रोसीजर में ही इतना समय लगता है कि उस क्वेश्चन की जगह आप 4 और क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो ये भी उसी तरह का लेंदी है। आपको देखना पड़ रहा है कि यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट आपको निकालना पड़ेगा तभी एडिशन आपको प्राप्त होगा, कितना आ रहा है सही आंसर मिलेगा। यहाँ पे आप अपना समय कहाँ पे बचा सकते थे, ये जो हम कैलकुलेशंस कर रहे थे वहाँ पे, जैसे 125 गुणे 56 करना था यहाँ पे समय बच जाएगा, 75 गुणे 56 करना है यहाँ पे समय बच जाएगा, तो इस तरह से अगर आपको पता है तो आप ज़्यादा ओरल यहाँ पे करने का प्रयास करिए कैलकुलेशन को, ताकि समय आपका बच सके। ओके अब देखते हैं हम अगला सवाल, लिखा हुआ है मार्क ऑप्टेंड बाय गर्विता इन ब्रांड मैनेजमेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ द मार्क ऑप्टेंड बाय अर्चित इन द सेम सब्जेक्ट राउंड ऑफ टू टू डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, मतलब डेसिमल के दो अंक के बाद तक आपको सही आंसर बताना है। तो क्या है, एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, तो एक्स में क्या है गर्विता के मार्क्स हैं किसके, ब्रांड मैनेजमेंट के, और वाई में क्या है अर्चित के मार्क्स हैं किसमें, सेम सब्जेक्ट मतलब ब्रांड मैनेजमेंट में ही। तो एक्स और वाई की वैल्यू जब आपको पता चल गई है तो देखिए कहाँ पे आपको क्या वैल्यू पुट करनी, गर्विता में आए, और ब्रांड मैनेजमेंट देखिए 100 नंबर्स का है तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ये 88 है तो गर्विता ने कितने नंबर प्राप्त किए होंगे 88 नंबर, और यहाँ पे अर्चित का देखिए तो कितना है 76 है तो इसने कितने प्राप्त किए होंगे 76 नंबर, और गुणे में कर लेना है 100। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो और कट कर सकते हैं, जैसे इसको 4 से कट करना चाहें, 4 1 4 होगा 3 जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 2 8 4 2 8 कितना हो जाएगा ये 2200, और 2200 को अगर आप डिवाइड करें यहाँ पे किससे 19 से, तो आपको आंसर मिलेगा एक बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा ये 0 होगा, फिर से एक बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, कितना बचेगा तो ये बचेगा आपका 11, और यहाँ पे हम उतार लेंगे एक 0 और। अब कितनी बार जा सकता है 19 5 95 होता है, 95 बार जाएगा कितना हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 मतलब 15 ही होगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। कितनी बार जा सकता है यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ 150 कितनी बार जाएगा, तो देखिए 19 7 133 होता है तो ये हो जाएगा 133। अब यहाँ पे देखिए कितना बचेगा तो ये बच जाएगा 17, फिर से 0 लगा लीजिए कि अब कितनी बार जा सकता है, तो देखिए आपको पता है 19 9 कितना होता है 171 होता है, तो 8 बार ले जाइए, 2 अंक तक आपको लेके चलना है इसको, तो आप राउंड ऑफ जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो 79 ही होगा, तो आप 9 बार ले जा सकते हैं, तो ये आपको आंसर मिलेगा 115 शब्दों में 7 9। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही है। ओके टिक करके आगे बढ़िए, यहीं पर अगर ये 100 ना होता इसका मैक्सिमम मार्क्स 150 होता तो आप क्या करते कि आप गर्विता का 150 का 88% निकालते, अर्चित का 150 का 76% निकालते, नहीं तब भी आप यही करते, क्योंकि आपसे जब वैल्यू दी गई है परसेंटेज में और आपसे पूछा भी परसेंट ही है तो आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको 150 गुणे में 76 करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप अर्चित का निकालते फिर गर्विता का निकालते, नहीं आप तब भी 88 बटे में 76 गुणे में 100 करते, आप जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग तब निकालते, जैसे यहाँ पे कहता अर्चित के ब्रांड मैनेजमेंट के मार्क्स और गर्विता के यहाँ पे किसी और सब्जेक्ट्स के मार्क्स ब्रांड मैनेजमेंट के अलावा, जैसे ये कंपनसेशन मैनेजमेंट है इसके मार्क्स पूछता, तो आप जब वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट हो जाती, जैसे यहाँ पे 100 है यहाँ पे 150 है, वहाँ पे 150 होती यहाँ पे 100 होती, तब आप वैल्यूज़ निकालते, जब एक ही यहाँ पे परसेंटेज ऐसे पूछा गया है या फिर एक ही सब्जेक्ट से मार्क्स पूछा गया है तो आपको वहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, परसेंट में ही जब आंसर देना है तो। ओके अगला सवाल देखें, लिखा हुआ है व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेंड बाय ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर इन कंपनसेशन मैनेजमेंट, अब आपको एवरेज निकालना है कंपनसेशन मैनेजमेंट में कि सारे बच्चों ने
कुल मिलाकर के कितने मार्क्स यहाँ पे हासिल किए हैं। तो आपको एवरेज निकालने का तरीका तो पता है, क्या करते हैं हम, जितने भी मार्क्स होंगे हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद उसको हम 6 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप अलग अलग नहीं निकालेंगे नंबर, जैसे अनुष्का है तो 150 इसका 88% नहीं निकालेंगे, अर्चित का फिर निकालेंगे 84%, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। करेंगे क्या हम, जब एक ही सब्जेक्ट है तो हम इन सारे परसेंटेज को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे कि टोटल ये कितना परसेंट आ रहा है। जितना परसेंट होगा उसको हम 6 यहाँ पे 150 से गुणा करेंगे, डिवाइडेड बाई 6 करेंगे और 150 यहाँ पे ये जो परसेंटेज है सारे परसेंट में है तो बटे में 100 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात, ये सारे परसेंटेज में लिखे गए हैं तो हम सारे परसेंटेज को ऐड कर लें कि टोटल कितना परसेंट ये आ रहा है। तो 8 4 12, 12 और 8 20, 6 26, 26 और 8 कितना हो जाएगा 34, तो यह आ गया 4। ये 8 8 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, 23 और 9 कितना हो जाएगा 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, 38 और 5 कितना हो जाएगा 43, और 43 और 3 कितना हो जाएगा 46, तो ये हो गया 464। तो ये 464% है, परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाई 100। और ये एवरेज अगर हमको निकालना है तो हमको इसमें जो है 6 से और डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन ये तो परसेंटेज है, किसका परसेंटेज है, 150 का हमको निकालना है, तो गुणे में हम क्या करेंगे 150। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसको सॉल्व करें, अगर देखिए 6 7 42 होगा, नहीं 6 से तो नहीं कटेगा, 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15 ये कट जाएगा, और हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 कट जाएगा, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 होगा, फिर कितना हो जाएगा, फिर 4 एकम 4 जाएगा, 2 बच्चे 4 6 24, 116। ये आपके सामने आंसर मिल गया, सी वाला ऑप्शन इसका सही है। तो इसको करने का लॉन्ग मेथड क्या होता वो भी मैंने आपको बताया, और कैसे स्मार्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया, बस इतनी से कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। अब आप अगर देखिए बुक वगैरह देखिए या कहीं पे सॉल्व होगा तो ऐसे कहेंगे कि 150 का हम 88% निकालेंगे, ये कितना आएगा, ये 132 आएगा, फिर हम 150 का निकालेंगे 84%, ये कितना आएगा, फिर ये जितना भी आता रहेगा उन सबको ऐड करेंगे, फिर 6 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 6 से डिवाइड करने में टाइम नहीं जाएगा, इसको निकाल के ऐड करने में बहुत समय खर्च होगा जो कि यहाँ पे खर्च नहीं होगा। ध्यान रखिएगा जब अलग अलग सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे मार्क्स तब आपको वहाँ पे अलग अलग निकालना पड़ेगा। जैसे पहले क्वेश्चन में हमको निकालना था यहाँ पे अनुष्का के मार्क्स निकालने थे, तो हमने क्या किया था, सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं तो हमको क्या करना पड़ा कि सबका अलग अलग निकालना पड़ा। वही अगर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का केवल पूछता तो हमको पता है इसका पूर्णांक 150 में सही है, तो आसानी से हम निकाल सकते थे, परसेंटेज को ऐड करके ही अलग अलग नहीं निकालते। ओके, अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है हु हैज़ स्कोर्ड द हाइएस्ट टोटल मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर, कि अब आपको बताना है ये अर्पण, अर्चित, गर्विता, गुनीत और अनुष्का में किसने सबसे हाइएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं ऑल टुगेदर। तो वैसे अगर हम देखें तो हमको ये पता है अनुष्का के टोटल मार्क्स हैं कितने, वो हमने पहले क्वेश्चन में निकाल रखा है कितने, 463 ऐसे मार्क्स आए थे, लेकिन बाकी के आपको मार्क्स नहीं पता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि आपने अनुष्का के लिए सारे मार्क्स निकाले थे, वैसे ही आप अर्चित के लिए भी सारे मार्क्स निकाल के ऐड करिए, फिर गर्विता के लिए, गुनीत के लिए, फिर अनुष्का के लिए, फिर देख लीजिए कि इन सब में सबसे हाईएस्ट मार्क किसके हैं, और ये आपका आंसर वही आपका हो जाएगा। तो इसको करने में टाइम लगेगा, तो अगर आपको टाइम कम है यहाँ पे तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम लगेगा ही लगेगा। हाँ, अगर थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच अगर आप अपनाएं तो आप इस टाइम को कम कर सकते हैं, बिना किसी कैलकुलेशन के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे आपको पता है कि अर्पण है, तो हम क्या करें, अर्पण, अर्चित, गर्विता, गुणित और अनुष्का, ये सारे स्टूडेंट्स हैं 5, हम क्या करें हर सब्जेक्ट में देखें कि किसके हाइएस्ट मार्क्स आ रहे हैं। तो जैसे अगर मैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की बात करूं तो इसमें सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसके हैं, तो यह है गर्विता के। मतलब अगर मैं कहूं यहां पे जैसे गर्विता लिखा है, इसके आगे मैं 1 लिख लूं, मतलब ये फर्स्ट आई है एक सब्जेक्ट में। इसी तरह आप यहां पे दूसरे जो हैं इसके बाद कौन सा आ रहा है परसेंट, तो वह है 82, तो वह किसका है, अर्चित का है, तो अर्चित जो है सेकंड आया हुआ है। थर्ड कौन आया हुआ है अगर आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं आप कि थर्ड कौन आया हुआ है, वैसे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, फर्स्ट सेकंड ऐसे ही लेकर के चलिए आप।
फिर नेक्स्ट देखिए ब्रांड मैनेजमेंट, इसमें सबसे अधिक परसेंटेज किसके हैं, तो ये फिर से आ जाते हैं किसके, गर्विता के। तो गर्विता सेकंड वाले में भी फर्स्ट आई है, और इसके बाद किसके परसेंटेज हैं, तो वो हैं अर्चित के, तो अर्चित यहाँ पे सेकंड आया है। फिर हम बात करें नेक्स्ट जो थर्ड सब्जेक्ट है उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, तो 96% हैं गर्विता के, तो फिर से गर्विता फर्स्ट आई है। सेकंड कौन आया है यहाँ पे, तो सेकंड 96 के बाद है 88, वो कौन है, अनुष्का है। तो अनुष्का जो है यहाँ पे तीन, यहाँ पे तीसरे सब्जेक्ट के बाद जो है मतलब तीसरे सब्जेक्ट में ये सेकंड आई है अनुष्का। ओके, तो हम सेकंड लिख देते हैं तीसरे सब्जेक्ट में अनुष्का के लिए। वहीं बात करें अर्चित की, तो अर्चित इसमें क्या है, थर्ड आया हुआ है। फिर हम बात करें कंज्यूमर बिहेवियर की, कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे अधिक मार्क्स किसके हैं, तो सबसे अधिक मार्क्स हैं अर्चित के, 96% हैं, तो अर्चित इसमें फर्स्ट आया है। फिर हम बात करें सेकंड कौन आया है, तो सेकंड आया है अर्पण, तो अर्पण है यहाँ पे, तो 1 2 3, और ये सेकंड आया हुआ है चौथे सब्जेक्ट में। और उसके बाद हम यहाँ पे गर्विता की बात करें, गर्विता का कौन सा स्थान है, तो 96 88, और उसके बाद 76 है, तो गर्विता इसमें तीसरे स्थान पर है। फिर हम बात करें सर्विस मार्केटिंग की, तो सर्विस मार्केटिंग में अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट कौन आया हुआ है, तो वो है अर्चित, 92% इसके मार्क्स हैं, तो ये हम इसको कहेंगे फर्स्ट आया हुआ है। सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे 84% है किसका, तो ये है गर्विता का, तो गर्विता ये है सेकंड। ओके, फिर हम बात करें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, तो वो हैं अनुष्का के, तो अनुष्का ये है फर्स्ट। सेकंड कौन है, तो सेकंड है अर्चित, सेकंड पोजीशन पे है। और फिर यहाँ पे बात करें हम गर्विता की, तो गर्विता है थर्ड। तो देखिए हमने किया क्या, हमने बस ये किया है कि हमने केवल कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया, हमने ये देख लिया कि सारे सब्जेक्ट में फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, ऐसे कैलकुलेशन किया। तो एक बात हमको ये पता चल गई, गुणित का इसमें कोई भी रोल नहीं है, फर्स्ट सेकंड में आपका कहीं आया ही नहीं है, तो उसके हाईएस्ट मार्क्स हो नहीं सकते। अर्पण को भी देखिए अगर आप, तो वो केवल यहाँ पे फर्स्ट देखिए, वो आया नहीं, एक जगह वो सेकंड आया है, और बाकी कहीं वो सेकंड भी नहीं आया है, तो इसका भी कोई चांस है नहीं। इसी तरह अगर आप अनुष्का को देखिए, तो एक बार वो सेकंड है और एक बार फर्स्ट है, बाकी उसका वो थर्ड ही होगी या तो उससे भी नीचे पोजीशन होगी, तो उसका भी कोई चांस है नहीं। तो टक्कर केवल अर्चित और गर्विता के बीच में ही है। तो अब क्या करेंगे, इसमें आप देखिए कि गर्विता 3 बार आई है फर्स्ट, 1 बार सेकेंड और 2 बार थर्ड। वहीं अर्चित केवल 2 बार फर्स्ट आया है और 3 बार वो सेकंड है और 1 बार थर्ड है। तो अगर परफॉर्मेंस वाइज देखिए कि 150 और 150 के जो 3 सब्जेक्ट हैं उसमें गर्विता जो है फर्स्ट आई है, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं जो जैसे 125 और 75 नंबर के हैं उसमें अर्चित फर्स्ट आया है। मतलब नंबर्स का मतलब है कि 1% की वैल्यू ज़्यादा होती है, और इसमें देखिए गर्विता थर्ड है और इसमें सेकेंड है, फिर इसमें देखिए इसमें सेकंड है और ये थर्ड है। तो बाकी के जो लेस नंबर वाले हैं, तो इससे आप कह सकते हैं कि इसमें गर्विता सेकंड है या थर्ड है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आप कह सकते हैं गर्विता के सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पे होंगे। तो इसको करने का शॉर्ट तरीका है कि जब आपके पास समय भी नहीं है और आपको करना भी है, तो इस तरीके से स्मार्ट स्ट्रेटजी लगाइए, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, और आपको आसानी से दिख भी रहा है गर्विता की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है, जिसमें वो सेकंड और थर्ड भी आई है। तो ऐसा नहीं है सेकंड और थर्ड जब आई है तो उसके मार्क्स 50% से नीचे हैं या फिर 60% से भी नीचे हैं, कहीं भी उसके मार्क्स जो है 76% से नीचे नहीं है, बल्कि बाकी लोगों को देखा जाए, जैसे अर्चित है यहाँ पे, तो अर्चित के मार्क्स भी अच्छे हैं, लेकिन चूंकि जहाँ पे स्कोर करना है वहाँ पे वो सेकंड आया हुआ है पहले 3 सब्जेक्ट में गर्विता से। और यहाँ पे डिफरेंस भी देखिए, जैसे यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए तो कितने का डिफरेंस है, 8% का, यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखिए तो कितने का डिफरेंस है, 8% का, यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए तो कितने का है, 12% का। तो डिफरेंस काफ़ी है, ऐसा नहीं 1-2% का डिफरेंस है। और अगर आप गर्विता की बात करिए, यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए तो यहाँ पे है 20% का डिफरेंस गर्विता और अर्पित के बीच में, यहाँ पे डिफरेंस देखिए तो यहाँ पे है 8% का डिफरेंस, और यहाँ पे केवल 2% का डिफरेंस है। तो जो कम सब्जेक्ट वाले उसमें डिफरेंस भी कम यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, मुझे उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं, वरना इसको करने का जो तरीका है वो भी मैंने आपको बताया, आप एक एक पर्सन को ले करके उसके सारे मार्क्स निकाल करके ऐड करके करिए, लेकिन उसको करने में कम से कम आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। और मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को करने में 2 से 3 मिनट लगते हैं, तो आप उसको करिए। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड द हाइएस्ट मार्क्स
इन मोर देन वन सब्जेक्ट, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एक से अधिक सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं। ये तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही निकाला है कि अभी हमने देखा था कि अर्चित और गर्विता को लेकर के कि यहाँ पे गर्विता ने 3 सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं, अर्चित ने 2 सब्जेक्ट में किए हैं, तो ये दो लोग तो हो गए, मतलब 2 स्टूडेंट तो हैं ही। और कोई है ऐसा जिसने एक से अधिक सब्जेक्ट में ऐसा किया? अनुष्का ने केवल एक सब्जेक्ट में किया है, बाकी तो और किसी सब्जेक्ट में उसका नाम आया नहीं है। फिर यहाँ पे अर्पण को भी निकाल दीजिए तो इसका भी कुछ यहाँ पे नहीं है, अर्चित गुणित तो है ही नहीं। फिर यहाँ पे एक आखिरी स्टूडेंट जो है प्रणीता, इसके देख लीजिए आप मार्क्स जो है बाकी लोगों की तुलना में कि कहीं इसका मार्क्स तो हाई नहीं है, तो देखिए इसके मार्क्स तो काफ़ी लो हैं, तो फर्स्ट तो ये किसी में आई ही नहीं होगी, तो केवल 2 ही स्टूडेंट्स हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन अगर हमने इस तरीके से किया तो पाँचवें का भी आंसर चौथे वाले से ही मिल गया, तो केवल 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स एक से अधिक सब्जेक्ट में हाईएस्ट हैं। डी वाला ऑप्शन इसका 2 होगा। ओके, तो ये थे वो 5 क्वेश्चंस, और ये जो DI थी बहुत ही अच्छी थी। स्मार्ट अप्रोच अगर आप लगाते हैं तो काफ़ी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, वरना DI काफ़ी लेंदी हो जाती है आपके लिए सॉल्व करने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप इसी तरीके से धीरे धीरे करके जो तरीके हैं उसको सीखिए, वही आपको अप्लाई करना है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में अगर आप बहुत मेहनत से बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करके भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका एक ही नंबर मिलता है। तो आप स्मार्ट अप्रोच भी लगाइए, मेहनत भी करिए, दोनों चीज़ें आप अप्लाई करिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और आप चाहते हैं इस सीरीज को फॉलो करना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आप सारी चीज़ें सीख सकें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।